लगभग 10 की बात है जब मैं सुसाइड अटेम्प्ट भी लेने गया था। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ यास्मीन खान और आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे पैरा एथलीट से जो बाकी एथलीट्स के लिए एक मिसाल बने हैं। इनका नाम है गौहर अहमद गनाई। गौहर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक एथलीट है, वाटर स्पोर्ट्स में आपकी दिलचस्पी है, थोड़ा बहुत बोलिए कि जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई और अभी कैसा जा रहा है आपका स्पोर्टिंग करियर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौहर है, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से बिलोंग करता हूँ और ये 2002 की बात है जब मुझे रोड एक्सीडेंट हुआ था। रोड एक्सीडेंट के बाद ऐसा लगता था कि शायद लाइफ में मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसी सोच जब एक इंसान की टांग चली जाती है तो एक सोच उभर के आती है कि अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसपास के पड़ोसी जितने भी होते हैं तो उनकी ये थिंकिंग होती है कि अब इसको या टेलरिंग का काम या कोई नॉर्मल दुकान चलाना चाहिए, क्योंकि ये पानी वाला खेल या किसी भी स्पोर्ट्स में जाए तो नहीं जा सकता, एक डिसेबल पर्सन के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। मगर मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे बिल्किस मीर जैसा कोच दिया और ऐसी कोच जिसकी सोच लोगों से अलग है, क्योंकि उसकी सोच की वजह से मैं आज इस स्टेज पे हूँ, नहीं तो मेरा यहाँ आना नामुमकिन था जी। मैं बहुत दूर रहता हूँ स्टेशन से, श्रीनगर से। मगर एक चीज इसमें है कि जब इंसान किसी ऐसे इंसान से मुलाकात करता है जिसमें करने की जज्बात हो और जो कर सकता है, जिसने किया हो लाइफ में स्ट्रगल देखा हो, और उस इंसान से मिलना ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। और इसके बाद 2010 की बात है जब मैं सुसाइड अटेम्प्ट भी लेने गया था, मैंने सोचा था कि मैं ये इस सोच से चल रहा था लाइफ में वाटर स्पोर्ट्स तो मैम दूर की बात है, मैं ऐसी सिचुएशन से लगभग मैं ये सोच रहा था मैं नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों के वो नेगेटिविटीज होते हैं, हर एक इंसान वो वैसा नहीं होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये सोच के चलते हैं ये इंसान कहाँ कर पाएगा। क्योंकि फर्स्ट डे जब मैं वाटर स्पोर्ट्स पे आया, वहाँ पे नेहरू पार्क में पहले मैं प्रैक्टिस करता था, वहाँ से कुछ लोग थे तो आसपास के लोगों ने जब मुझे टांग निकालते हुए देखा तो थोड़ा उनके वो चेहरे पे जो वो ऐसी लहर उदोगी, ये कैसे करेगा पानी कैसे जाएगा। मगर अल्लाह का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद बिल्किस मीर कोच का जिसने मुझे वो बहुमत दिलाया, एक एहसास दिलाया कि नहीं अब क्यों नहीं कर सकते, चलो टांग नहीं है इंसान के पास, ये शरीर का अंग नहीं है मगर क्यों नहीं कर सकता। तो उसके बाद मैंने एक नेशनल खेला और दो नेशनल्स मैंने पार्टिसिपेट किया, 3 सेकंड की फर्क रह गई थी, नहीं तो मैं मेडल लेके सिल्वर जेएनके को देके देता, पर 3 सेकंड में उसमें गैप रहा। उसके बाद फर्स्ट डे का मैं बताऊंगा, ऐसे में जब मुझे मैडम ने बोला कि चलो पानी में उतरो, मेरे को भी दिमाग में आया, क्योंकि नेगेटिविटी सामने बहुत थी, तो मेरे को भी ये भी दिमाग में आ रहा था कि शायद मैम बोल रही यार उतरने कैसे उतरू क्या करूँ, ऐसा वो डर था। फिर मैडम ऊपर बैठी थी और नीचे आके बोली हाँ क्या क्या, बोला मैम पानी है, टांग भी नहीं है, स्विमिंग तो दूर की बात है, क्योंकि वो सब चीजें तो मेरे ध्यान में भी नहीं थी। मैंने बोला डर है, मैंने बोला मैम बहुत है, तो उसने बोला चलो उतरो मैं देखता हूँ जो भी होगा मैं उतरी हूँ। तो एक दिन जब मैं पानी में उतरा मेरे अंदर वो एहसास जाग गया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक क्यों नहीं जा सकता जब बिल्किस मैम मेरे साथ है। सबसे पहले अल्लाह का साथ है, उसके बाद बिल्किस मीर का साथ है, क्योंकि ऐसा कोच मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने बहुत इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया मगर ऐसा कोच, ऐसी पूर्ति जिसमें है और जो सोच लेके चलती है कि नहीं लाइफ में किसी कुछ ना कुछ करना ही है। और उसके बाद मैंने 2 नेशनल्स खेले, उसमें मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी और मगर 3 सेकंड का फर्क रह के मैं वहां से मेडल नहीं लेके आ पाया। नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेरा पैरा ओलंपिक में जाने का ख्वाब जो है वो इंशाल्लाह जब तक बिल्किस मीर मैम का साथ मेरे साथ है, सबसे पहले अल्लाह का और जब इसका साथ होगा तो मैं इंशाल्लाह जल्दी जेएनके को इन नेशनल इंटरनेशनल में मेडल दिला दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अभी ये जो आपके साथ इंसिडेंट हो गया जिसमें आपकी टांग के साथ ये मसला हो गया, उससे पहले किस तरह के इंसान थे आप, क्या बनना चाहते थे? मैम उससे पहले तो मेरे को लगता था कि शायद जिंदगी में मेरे लिए कब्र अच्छी है, क्योंकि उस टाइम की वो सिचुएशन थी, 2002 की बात है, उस टाइम लोग नेगेटिविटीज माइंड थे और उस टाइम ये सोचते थे लोग यार ये तो टेलरिंग काम करेगा, या तो इसके लिए मतलब अपने रिलेटेड थे उन लोगों ने भी बोला कि यार ये नहीं कर सकता, कहाँ वाटर स्पोर्ट्स हो मैम, वो तो कहा भी नहीं था। मगर उस टाइम वो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से निकल कर मैं आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे पैरा एथलीट और एथलीट्स आएंगे उनके लिए प्लेटफॉर्म हो, उनके लिए स्टेज हो, ऐसे कोचेस हो, जब ऐसे कोचेस होंगे ऐसे थिंकिंग्स होगी तो कश्मीर में मुझे नहीं लगता एक डिसेबल पर्सन को डिसेबल एक
किसी चीज से देखा नहीं, ऐसी चीज से तो नहीं देखेंगे कि जब ऐसे कोचेस होंगे। अभी कैसा रिएक्शन है उन रिलेटिव्स का और फैमिली मेंबर्स का? मैम अभी तो बहुत डिफरेंट है, लोग जितने मुझे पड़ोस के आसपास देखते हैं वो बोलते हैं यार तू वहां कैसे पहुंचा, उनका शौक सा लगा क्योंकि जब मैं वाटर स्पोर्ट ज्वाइन किया था मैं अपने फैमिली में भी नहीं बोल रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं, ये खाली मैं अल्लाह और मैम जानती थी और मैं जानता था। तो जब मैम ने ये स्टोरी इससे पहले भी एक बार बाहर लाई तो लोगों की वो सोच थी तू कैसे करता है यार, तू ढल में उतरता है, और कुछ लोग नेगेटिव कुछ लोग पॉजिटिव भी होते हैं, सब लोगों ने बोला हाँ भाई तू अच्छा कर रहा है। और आज की जो सोच है, मैं आज 10 लोगों को यहाँ पे स्विमिंग भी सिखाता हूँ या हेल्प किसी को करना होता है नॉर्मल पर्सन को उनको भी हेल्प करता हूँ, जैसे मुझे खुद आती है मैं उनको वही सिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा J&K में अगर जिस चीज की जरूरत है वो स्पोर्ट्स है, क्योंकि स्पोर्ट्स ड्रग्स फ्री है और जो यहाँ पे ये सब चल रहा है ड्रग्स ले ले लोग और उससे देखो इंसिडेंट में एक चीज, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ड्रग्स प्लेयर ड्रग्स क्यों लेता है, उसके पास तो शरीर का हर एक अंग है, ड्रग्स तो मुझे लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास शरीर का अंग नहीं है। मुझे तो इन चीजों से मैं ये सोच उनकी सोच में बता रहा हूँ जो ड्रग्स एडिक्ट है, मैं उनकी सोच बता रहा हूँ यार क्या कर रहे हो क्यों ड्रग्स ले रहे हो, मुझे देखकर चलो मैं शरीर का अंग होकर भी मैं इतने दूर से प्रैक्टिस आता हूँ प्रैक्टिस करता हूँ। नेशनल मैंने 2 खेले भोपाल में, बड़ी वहाँ पे मुझे फाइनल से कंडीशन भी की जरूरत पड़ी थी, मगर शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मैम का और स्पोर्ट्स काउंसिल का। मैं बता दूँ एक बार पैरा एथलीट्स के लिए भी कम से कम ध्यान में रख दीजिए कि हमें भी कोई हेल्प की जरूरत होती है, मगर स्पोर्ट्स काउंसिल हमें कोई हेल्प नहीं करता, हर एक स्टेज पे हम देखते हैं। तो यही पे है कि आपके सामने है, मेरे पास बोर्ड नहीं था, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद बिल्किस मैम का जिसने वो बोर्ड वहां से भोपाल से यहां तक लाया, वो मुझे एज पर गिफ्ट दिया गया था ताकि आप एक एथलीट हो, अच्छे एथलीट हो, आप यहां से कर सकते हो। तो वहां तक बोर्ड लाने के लिए मैं काउंसिल भी गया, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा मुझे बोर्ड दे दो, मुझे बोर्ड लाना है बोर्ड लाना है, हर जगह यही हुआ कि यार क्या बोर्ड लेके करोगे, बोर्ड लेके कहां पहुंचोगे क्या करोगे। तो वो शुक्रिया अदा मैं पहले अल्लाह का करता हूं उसके बाद मैडम का जिसने वो बोर्ड पता नहीं कैसे करके खुद अपने जेब से पैसे देकर यहां लाया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन चीजों का। ये देखो अभी भी स्पोर्ट्स काउंसिल हम जैसे एथलीट्स को सपोर्ट नहीं करता है, बहुत बहुत ये बहुत बुरी बात है। मैं कहता हूँ मैम प्लीज एक बार इन वाटर स्पोर्ट्स के बच्चों को भी देखिए, उसमें भी पैरा एथलीट्स आपके, कम से कम इन पर भी तो नजरसानी होनी चाहिए ना मैम। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने देखी गौहर की स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग है कि एक ऐसा वक्त था जब ये सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहे थे, इनकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, लेकिन अभी ये जो है बाकी लोगों को भी सिखा रहे कि किस तरह से स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना है। श्रीनगर से यास्मीन खान की रिपोर्ट।